अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सारा रज़ा और आप देख रहे हैं सारा रज़ा वीलॉग्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं कुछ यादें और ग्रॉसरी और मिडनाइट खाना, और साथ हम करेंगे रूम टूर भी। मैं, भाई और भाभी हम लोग गए इम्तियाज़ पे शॉपिंग करने। तो ये जो अभी शॉपिंग नज़र आ रही है, ये पहले आती थी 20 से 25 हज़ार में। बेसिक चीज़ें हैं दो चार, अब ये इतनी सी ग्रॉसरी जो है ये 45 से 50 हज़ार में आ रही है। इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी हुई है। आगे माशाल्लाह रमज़ान भी आ रहा है, तो हम लोगों ने ये जो जग ग्लास हैं, ये जो न्यू प्लास्टिक आई हुई है, मतलब ये डिज़ाइन जो है ये डायमंड डिज़ाइन कहलाता है, और ये जग हम लोगों ने लिए, इनको शायद एक्लेरिक प्लास्टिक बोलते हैं। तो 12 जो है वो ये ग्लास लिए, दो जग लिए, भाभी ने दो ग्लास जो हैं वो अपनी पसंद के लिए। अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी कुछ बचपन की यादें, कुछ बड़े हो के जो डेकोरेशन पीसेस लेने का शौक़ था वो, बस थोड़ी सी, ज़्यादा बोर नहीं आपको करूँगी, बस थोड़ा सा शेयर करूँगी। ये मेरा पियानो है, और ये भी बाबा बाहर से लेके आए हुए थे। इसका डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है, मतलब बहुत ही रियलिस्टिक, जैसे अभी पाकिस्तान से यहाँ से मिलते हैं ना सीधे सीधे, वैसा नहीं है ये, ऐसे बिल्कुल रियल जो है ना पियानो, जस्ट लाइक वैसा ही है। और इसीलिए मुझे ये तो इससे बेइंतहा प्यार है। तो इसके ना बटन्स का कलर भी चेंज हो गया हुआ है, इवन एक बटन ख़राब भी हो गया हुआ है, इसमें सेल डलते थे। ये मेरी गुड़िया है जो कि झूले में बैठी मज़े कर रही है। ये भाई की रिमोट वाली गाड़ी है, और ये रेड कलर में बहुत ही प्यारी गाड़ी है। तो बाकी ये जो बोट नज़र आ रही थी, ये तो मैंने रिसेंटली लिया, डेकोरेशन पीसेस जमा करने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। और ये कैमरा, ये भी बाबा बाहर से लेके आए थे, तो इसमें ये जो है ना ये डलती है, फिल्म से होती है, या पता नहीं क्या इसको बोलते हैं। तो ये आइस के साथ लगा के, तो इसका बटन प्रेस करके नीचे को, तो ये देखना होता था। इसमें बड़ी प्यारी सारी पिक्चर्स होती थी, मतलब खाना काबा की भी, मतलब हर लिहाज से ही ना, ग्रीनरी वाली या ऐसे कुछ। और ये बाबा बाहर से लेके आए थे वायरलेस फ़ोन था, इसको ना तार भी लगी हुई थी जो कि पता नहीं कहाँ गई। और ये टेडी बियर मैंने जमा किए हुए हैं, ये पुराने दौर का टेप रिकॉर्डर है, और बहुत सारे ये तो थे ना, एक ही एंटीक पीस बचा हुआ है, बाकी पता नहीं कहाँ गए। ये मेरी स्कूटी है, जी। तो अब खाने का काम शुरू करते हैं। और ये जो मैंने केक बनाया है, ये विदाउट ओवन है, ये विदाउट बीटर है, और विदाउट व्हिपिंग क्रीम है।
मैंने इसकी वीडियो क्यों नहीं शूट की जो बनाने की, ये मुझे पता नहीं है कि मैंने वीडियो क्यों शूट नहीं की, लेकिन मैं ये आपको बनाना ज़रूर सिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो मैंने ये केक जो है वो डन कर लिया। जो पार्ट इसका थोड़ा सा ज़्यादा ही डार्क ब्राउन सा हो गया था नीचे से, वो मैंने हटा दिया और नट्स वगैरह रेडी किए। इसमें नट्स में काजू और बादाम थे, और इसके लिए फिर मैंने केक को सोक करने के लिए सिरप रेडी किया, दूध में कोको पाउडर मिक्स किया और कॉफ़ी मिक्स की थोड़ी सी और चीनी मिक्स की, और इसको सोक कर दिया। मैंने नट्स को चॉप कर लिया और चॉकलेट को काट के मेल्ट कर लिया। चॉकलेट को काट के मैंने मेल्ट तो कर लिया, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और ज़ुकाम की वजह से मेरा जहन बिल्कुल बंद हुआ हुआ था, क्योंकि मैंने जस्ट चॉकलेट को मेल्ट किया जबकि इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लेती ना तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो थोड़ी सी थिन हो जाती ना, लेकिन ये बहुत ज़्यादा थिक थी, ऊपर से सर्दी इतनी ज़्यादा थी। और जैसे ही मैंने चॉकलेट, ये जो मिक्सचर है नट्स का और चॉकलेट का, ये मैंने केक के ऊपर डाला तो वो वहीं पर ही जैसे फ्रीज़ हो गया। मैंने इसको बहुत मुश्किल से ना केक के ऊपर इसको स्प्रेड किया, जबकि मेरा दिल था कि थोड़ा सा ये केक सी ना साइडों पे भी निकले तो वो बहुत प्यारा लगता है, लेकिन बस वो तो वहीं पे स्टक हो गया। तो जो मिस्टेक मैंने की है वो आप नहीं करें। मैंने इसमें थोड़ा सा दूध तो ऐड किया था, लेकिन फिर भी इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो वैसी नहीं थी। ऊपर से मौसम बहुत इफ़ेक्ट करता है, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो जिस वजह से ना इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देती ना तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी रनी हो जाती। मज़ेदार सा केक जो है वो हमारा रेडी हो गया। इसके बाद मैंने केक को मसाला लगा के रखा हुआ था, तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा ऑयल डाल के इनको स्टीम कर लिया और खाना हमारा रेडी हो गया। मम्मा ने जो है वो मटन बना लिया और मैंने और भाभी ने मिलके बाकी जो चीज़ें थी वो तैयार कर ली। मेरी भाभी के भाई भाभी आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम अभी निकल रहे हैं, घंटे बाद हमने घर से निकलना है, लेकिन वो उन लोगों को आने में जो है वो बहुत देर होगी क्योंकि उनके अपने मेहमान आ गए थे। तो वो हमारे पास जो है वो रात के तकरीबन 1:30-2 बजे पहुँचे, और फिर हमने रात के 1:30-2 बजे खाना जो है वो खाया और लगाया। मतलब बहुत ज़्यादा मेहमानों का ना वेट करना पड़ा, लेकिन ये है कि सब ठीक ठीक हो गया। मामा बाबा को हम लोगों ने टाइम से खाना खिला दिया था। कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।